आज बात करते हैं पीएचईडी की पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, जो अलायंस बनी जम्मू कश्मीर के हकूक बचाने के लिए, और बहुत सारे वादे किए उन लोगों ने। ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर की जो शिनाख्त है, जम्मू कश्मीर का जो हकूक है छीने गए 5 अगस्त 2019 को, हम वापस लाएंगे इनको। बहुत सारी जमातें जुड़ी, लेकिन कई जमातों ने इस्तीफ़ा दिया। उसके बाद अभी भी कांग्रेस, CPIM, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP उस अलायंस में जुड़ी हुई है। लेकिन कल जिस तरह बयान आया उमर अब्दुल्ला का, उन्होंने कहा कि मैं PAGD के साथ वाबस्ता नहीं हूँ, अगर कोई भी मीटिंग है तो आप फारूक अब्दुल्ला साहब से पूछिए। ये किस तरफ इशारा कर रही है ये सब बातें, ये सब जिस तरह इंटरव्यूज़ दिए जाते हैं PAGD को लेके, जो PAGD हमेशा कश्मीर, जम्मू कश्मीर की बात करती थी, जो PAGD ये बात करती थी कि एक ही प्लेटफॉर्म पे हम लोग जमा हो जाएंगे, तभी इन जो ताकतें हैं जो जम्मू कश्मीर को ख़राब कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, उनसे जम्मू कश्मीर के लोगों को बचा सकते हैं। मेरे साथ हैं सईद तजम्मुल, सीनियर सहाफ़ी हैं। बातचीत करेंगे कि क्या मुस्तकबिल है PAGD का और क्या कुछ हो सकता है इस अलायंस का, जो अलायंस आज तक दावे और वादे ये कर रही थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ रहना है, एक ही प्लेटफॉर्म से एक ही बात करनी है। सईद तजम्मुल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले मुझे बताइए कि हो क्या रहा कश्मीर में, जिस तरह जितना इलेक्शन नज़दीक आ रहा है उस तरह जो जितने पॉलिटिकल नेता हैं उनके राज खुल रहे हैं, उनकी बातें खुल रही हैं, जो वादे कर रहे थे, जो दावे कर रहे थे, वो पूरे नहीं हो रहे। देखिए, जम्मू कश्मीर में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन जो बना, वो वजूद में कैसे आया, पहले उसको जानने की कोशिश करते हैं कि जिस वक्त इसका वजूद अमल में लाया गया, मरकज ने फैसला लिया कि जम्मू कश्मीर में जो है ज़ेर इंतज़ाम इलाका, इसका दर्जा जो है घटाया जाए, रियासत से इसको ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाया जाए। जिसके बाद जम्मू कश्मीर के जो सियासी मुबसरीन है उनकी भी आरा थी मुश्तरका तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, कि क्यों ना जम्मू कश्मीर की, खासकर वादिया कश्मीर की मेन स्ट्रीम जमातें जो है वो आईनी जंग जो है एक साथ लड़े। हालांकि इख्तलाफात अपनी जगह है, नजरियाती सोच अपनी जगह है, इनके नस्बुल ऐन में आसमान जमीन का फर्क है, और इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में, चूंकि ये पार्टियां मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं और ये इलेक्शन में जरूर जाती है 5 साल 6 साल के बाद, और मुझे बिल्कुल इस बात का इल्म है और मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ कि गुपकार डिक्लेरेशन जब लिखा गया, मुजफ्फर हुसैन बेग साहब ने ड्राफ्ट तैयार किया और मौजूद थे उमर अब्दुल्ला साहब, महबूब मुफ्ती साहिबा, सजाद दौन साहब, इमरान अंसारी, GM ताज मोहद्दीन साहब, बाकी कमोबेश तमाम लीडरान मौजूद थे, बल्कि जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट भी इसका हिस्सा था उस वक्त। उसके बाद जब इसको सुक्राल कर रहे थे, जब मोबाइल पे इसको पढ़ रहे थे फोन पे, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इसको पढ़ ही रहे थे कि इसका एक स्टंजा जो है ऊपर नीचे हो गए, जिसको उमर साहब ने संभाला। गालबन ये हसास मामला मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ आपको कि गुपकार डिक्लेरेशन की जो राइटिंग थी उसमें किसी भी जुमले का इजाफा नहीं किया गया, और इसका मतलब था कि वो सदर हिंद से मुलाकात करेंगे, वो जरूरत पड़ी तो पुरमन तौर पर सड़कों पर एहतजाज करेंगे, और जम्मू कश्मीर की जो सियासी शख्सियत है वो अपने इख्तलाफात फिलहाल साइड में करेंगे। फिलहाल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया था तकरीरों में कि फिलहाल वो उन चीजों को साइड पर करेंगे और मुश्तरका लाए अमल तरतीब देके सदर जमहूरिया, वजीर आजम और बाकी सियासी लीडरान से जो है जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से वकील का रोल अदा करके उनके लिए जम्मू कश्मीर के दर्जे को बरकरार रखने की अपील करेंगे। वक्त गुजरता गया और इसी बीच में मरकज ने जब ये देखा तो शहनवाज हुसैन साहब समेत कई अहम सियासी लीडर जब जम्मू कश्मीर वारिद हुए, तरुण चुग जी आए राम माधव की जगह और बाकी अहम सियासी लीडर यहाँ आए और DDC चुनाव का ऐलान किया गया। अब पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने क्या किया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कप्तान मुकर्रर किया गया, उमर अब्दुल्ला उसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर नहीं थे, तारिक आमी साहब को इसका एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया गया और सजाद दौन को तर्जमान आला यानी चीफ स्पोक्स पर्सन बनाया गया। जो भी ड्राफ्ट होता था प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो लोन साहब पढ़ाया करते थे, उसके बाद डॉक्टर साहब ओपनिंग देते थे, कहते थे अब मजीद बातचीत जो है वो लोन साहब आपसे बातचीत करेंगे। बाद में चुनाव का ऐलान हुआ और मरकजी सरकार से जिन लीडरान ने जम्मू कश्मीर पहुंचा उन्होंने गुपकार डिक्लेरेशन को गैंगस्टर बताया, कहा ये कोई इकट्ठे किसी कौम के लिए नहीं हुए हैं बल्कि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए हुए हैं, अपने अपने घरों को बचाने के लिए आए हैं और एक ड्रामा रचा रहे हैं। गालिबन कश्मीर के अवाम को तासुर ये लगे कि अगली जनरेशन काल ये न बोले कि जनाब आप तो साहब ही थे, मसूद साहब आपने उस वक्त क्या किया, फारूक साहब आप तो सदर थे आपने क्या किया, महबूबा जी आप तो बड़ी प्रोटेस्ट कर रही थी
मुख्तलिफ मामलात पर आपने उस वक्त क्या किया, उस छवि को बचाने के लिए इकट्ठा हुए। ये मामला जो है ये मरकजी लीडरान ने कहा, लेकिन उसके बाद पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डेक्लेरेशन जो ही चुनावी माहौल आया, सीटों का बंटवारा शुरू हुआ, सज्जाद नूर साहब ने अपने इलाके के लिए अपनी पार्टी को के लिए जो हिस्सा मांगा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस बजट थी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने नजीर खान जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हुआ करते थे बड़गाम के, मौजूदा वक्त में वो डीडीसी चेयरपर्सन है, उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने उमर अब्दुल्ला की कॉन्स्टिट्यूएंसी हल्का इंतखाब का हिला बहाना करके कहा कि नजीर खान साहब को मैंडेट पीएचडी का नहीं मिल सकता है। इसी तरह से मंसूर पीर मंसूर के इलाके शांगस में महबूबा मुफ्ती ने कहा, मुझे बिल्कुल याद है उन प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हुए कि महबूबा मुफ्ती ने कहा जो डॉक्टर साहब कहेंगे वही करना है, डॉक्टर साहब के ऊपर कोई तब्दीली नहीं, भले ही मुझे इस वक्त अपनी लीडरशिप नाराज हो जाए, जिसमें पीर मंसूर जिसमें नजीर खान बहुत सारे लीडर है जिन्होंने पीएचडी जिन्होंने पीडीपी को छोड़ दिया, पीएचडी को छोड़ दिया। उसके बाद वक्त आ गया जब चुनावी माहौल दोबारा आया, आज उमर अब्दुल्ला ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस को तो क्या वो तो निकल गए हैं, पीडीपी को अपने साझेदार ही नहीं माना, अपने हम सफर ही नहीं माना, बाकायदा तौर पर कहा कि हम इनके साथ नहीं है, हमें इनके साथ कोई लेने देने नहीं है, हम कांग्रेस को समर्थन कर सकते हैं साउथ कश्मीर में, घर पर जिससे इंतिया साफ है कि आपके कौल फैल में तजाद है, आपकी नीयत खराब है, आप स्ट्रीट प्रोटेस्ट के लिए पीएम के पास महबूबा मुफ्ती को लेके जाते हैं, आप इज्तिमाई तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप खुद बताते हैं उमर अब्दुल्ला साहब कि मैं पीएचडी नहीं हूं, मैं अब राहुल गांधी के उस मार्च के साथ नहीं हूं, मैं जो इंडिया अलायंस की मीटिंग है मैं उसके साथ नहीं हूं, लेकिन हो सकता है फारूक साहब हूं, यानी आप खुद को भी बचाते हैं और जो बाकी लोग हैं उनको भी बचाने की तरकीब देते हैं। बहरहाल जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह से उमर अब्दुल्ला के जरिए से इसे वॉकआउट किया, आम हलकों में ये तासुर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सिंसियर नहीं थी, और अगर ये गुपकार डिक्लेरेशन आपने तोड़ना ही था तो आपको सलाह मशवरा करना था, आपने कल किसी को रिश्तेदार बनाया, आज आपने उसको रिश्तेदार कहने से इनकार कर दिया, कल तक आप कह रहे थे, फारूक साहब कह रहे थे जब वो जेल से आए डिटेंशन सेंटर से आए वो कह रहे थे हमने पूछा लायमल क्या है जनाब, आगे क्या करें, कहा महबूबा जी को आने दो बाहर हम बातचीत करेंगे। बहरहाल पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस ये इख्तलाफात अपनी जगह रही हूँ, ये सियासी हरीफ थे हैं और रहेगा, और इन सियासी हरीफों में जिस अल्फाज का इस्तेमाल जिन लफ्जों का इस्तेमाल उमर अब्दुल्ला ने किया कि जनाब तीसरी पोजीशन कोई हॉकी का फाइनल नहीं था किसने कितने गोल किए, ये कोई वर्ल्ड कप का मैच नहीं था किसने क्वालिफाई किया किसने नहीं किया, ये वो क्वालिफाई राउंड नहीं था, ये आपको विचारधारा के बाद जो आप इकट्ठे हुए थे आपने कहना था हम तीनों सीटों पे लड़ेंगे। देखिए साउथ कश्मीर में जो हसनैन जीता है वो वोट कितने पड़े मसूदी साहब को, जो मैडम वहां से जीती नहीं हालात कैसे थे, उस वक्त कितने लेजिस्लेटर भागे हुए थे पार्टी से, हालात कैसे थे जी। उमर अब्दुल्ला साहब की सोच क्या कहती है जानना बड़ा जरूरी है। उमर अब्दुल्ला साहब दिल्ली को ये मैसेज देना चाहते हैं जनाब यहाँ लोगों की जो जमात है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये मुनज़्ज़म है, इसे बेसाखियों की जरूरत नहीं है, आपको जो भी मामलात है वो हमारे साथ उठाए, बाकी आप गैर जरूरी लोगों के साथ बातचीत ना करें। लेकिन जो अंदाज बोलने का उमर अब्दुल्ला का था वो सियासी हलकों में पॉलिटिकल कमेंटेटर्स वो इस वक्त भी जो आप सोशल मीडिया देखते हैं इसे एरोगेंस इसे तकब्बुर कहते हैं, जिस अंदाज में उन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात को पीपल्स अलायंस को तोड़कर जो है इसे स्कोरिंग के साथ जोड़ा, ये कोई स्कोरिंग मैच नहीं था, ये ख्यालात की जंग थी, ये वो जंग थी जो आपने खुद इसको बहुत ज्यादा रुतबा दिया। क्या आपको लगता है तजम्मुल साहब मुझे बताइए क्या आपको लगता है कि क्या मुस्तकबिल इस जमात का जो है पीजीडी बनी? देखिए पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डेक्लेरेशन ये खत्म हो गई है, और इसको वजूद में रखने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस या कोई भी जमात आए वो कहेगी जनाब इलेक्टोरल अलायंस नहीं था हमारा, जनाब फिर किस चीज का, आप तो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, आप थोड़ी ना हुरियत है, हुरियत वाले भी हड़ताल के दिन इकट्ठे होते थे, सातों दिन वो अलग अलग होते थे, आठवें दिन जब हड़ताल की कॉल होती थी जब उनको कुछ मामला होते थे इकट्ठे हो जाते थे। लेकिन मुझे लग रहा है कि गुपकार अलायंस में अगर इसका खात्मा भी आपने ही करना था, शुरुआत भी आप कर रहे थे, तो आपको इसको तमाम विचारधारा के लोगों के साथ मिलना था, एएनसी को एतमाद में लेना था, आपने तारिक अमीन साहब की पार्टी सीपीआई को एतमाद में लेना था, पीडीपी को एतमाद में लेना था, हालांकि दो बड़ी पार्टियां जो है एनसी और पीडीपी अभी मैंडेट बांटे नहीं किसी ने, तो आपने सीटों का ऐलान किया, अभी किसने मैंडेट मांगा था आपसे, किसी पार्टी ने मैंडेट मांगा था क्या आपसे, किसी पार्टी ने बोलबाला मांगा था? और दूसरी अहम बात मसूद साहब जो इसमें बची हुई है, शायद असेंबली चुनाव में हम इसमें सोच विचार करेंगे, सीट शेयरिंग में
नेशनल कांग्रेस के पास कितनी सीटें थी श्रीनगर से, बीजेपी तो स्वीप कर गई, उनके पास तो बची 3 सीटें थी, ईदगाह था आपके पास, आपके पास सागर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी जो आप डिलिमिट होकर आप शालीमार चली गई है, और आपके पास कौन सी सीट थी जिसको आप शम्या फिरदौस की हवा कदर की, डाउनटाउन की 3 सीटें, आउटस्कर्ट्स की, सेंटर की, और सारी सीटें पीडीपी स्वीप कर गई है। अगर असेंबली में आप अलायंस करना चाहते हैं नंबरों के साथ, तो आपने जितनी सीटें जीती है आपको तो 10 डिस्ट्रिक्टों का मैंडेट मिलेगा। गार्ड में मुझे याद है कि जम्मू कश्मीर में मेन स्ट्रीम पार्टियां जो है वो यहाँ के आवाम के लिए बहुत कम बार सोचा करते हैं, अपनी पार्टियों को सेक्रेटरियट तक लेने के लिए, अपने दफातरों को सेक्रेटरियट के साथ लिंक करने के लिए, 6 महीने जम्मू 6 महीने श्रीनगर जाने के लिए, अपने वक्त में तबादलों का हिस्सा हासिल करने के लिए, बाकी चीजों के लिए पार्टियां जिस चीज के लिए बनी है उसी चीज से इनकी शुरुआत हुई, खत्म भी हुआ। लेकिन जम्मू कश्मीर के आवाम से और अवामी मुबसरी से मेरी बातचीत हुई, वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जिस अंदाज से नेशनल कॉन्फ्रेंस एग्जिट किया और जिन लफ्जों का इस्तेमाल किया, लफ्ज और भी हो सकते थे, और भी इस्तेमाल किए जा सकते थे, लेकिन गेम स्कोरिंग पे, पॉइंट स्कोरिंग पे आपने कहा फलानी की एक क्वेश्चन है, लेकिन जी, लेकिन मुझे अब ये बताइए कि जिस तरह बोला जा रहा है कि शायद कल पीएचडी की मीटिंग होगी, और जो एक जमात है तारगामी साहब की जमात, वो हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा जो कुंबा जो है पीएचडी का वो एक साथ मिल के रहे, तो क्या आपको लगता है पॉसिबिलिटी जो कल मीटिंग होने वाली है उसमें बातचीत होगी इस तरह? अगर मीटिंग बुलाते हैं तो उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं मैं पीएचडी के साथ हूं नहीं, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की अटॉर्नी और अथॉरिटी जो है वो उमर साहब ने अपने पास तफ्तीश रखी, उन्हें फैसला सुनाया, और अमूमन वो ऐसे फैसलों पे कहते थे कि डॉक्टर साहब को आने दो वो फैसला सुनाएंगे। आज उन्हें कबल इस वक्त फैसला किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को और मजबूत करने का अच्छा मौका है, पार्टियां टूट चुकी हैं, इसको और ज्यादा रिवाइव करते हैं, गालिबन दूसरी पार्टी को मदद करने से बेहतर है अपनी पार्टी की मदद की जाए। मुझे लगता है कि फारूक अब्दुल्ला साहब का स्टेटमेंट जो है पीएचडी की इस मीटिंग को तलब करने के बाद, क्या इसको ये कह दीजिए कि इलेक्ट्रोल अलायंस नहीं करेंगे, हम नजरियाती तौर पर एक साथ रहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंसों के लिए, लोगों के लिए, लेकिन जो भी होगा उमर अब्दुल्ला साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पीएचडी की क्रेडिबिलिटी को खत्म कर दिया। अब इसमें और इजलास बुलाएं आप या ना बुलाएं, उसकी ज्यादा साख जो है वो मार्केट में आवाम में नहीं देखी जा सकती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ थे सईद तजम्मुल बातचीत करने के लिए पीएचडी को लेके, क्योंकि पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की बात करें, जिस तरह ये जमात बनी और कई पॉलिटिकल पार्टी इनके साथ जुड़ी, बाद में रिज़ाइन भी किया उस जमात से, लेकिन अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल और सीपीआईएम जो और आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसके साथ वाबस्ता जमातें थीं, लेकिन कल के बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि पीएचडी पूरी ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद क्या कुछ होगा, क्या कल मीटिंग होगी पीएचडी की, उस पर क्या कुछ दलील पेश की जाएगी इस उमर साहब के बयान को लेकर, आप तक पहुँचाएँगे, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।